हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, आज से हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आईएएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी जो सीरीज़ होगी, ये प्रीलिम के लिए भी होगी, पीटी प्लस मेंस के लिए होगी, क्योंकि इसके अंदर हम एनालिटिकल तौर के ऊपर भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वाई वी नीड टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके अंदर हमारा आंसर आता है कि एक तो प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं, और अगर आप लास्ट के 2 साल का ट्रेंड देखोगे तो काफ़ी टिपिकल काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब काफ़ी टफ काइंड के, फैक्चुअल काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं उनके अंदर भी कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे अगर आप नॉर्मल से स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाते तो उसके अंदर आपको प्रीलिम के लिए काफ़ी, मतलब मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाते थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है अगर मेन की बात करेंगे तो मेंस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, और अगर बात करेंगे उसके लिए बुक जो हम प्रेफर करते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक, तो उसके अंदर एनालिटिकल तौर के ऊपर चीज़ें काफ़ी कम दी हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए बिपिन चंद्रा आपको पढ़नी पड़ती है, और भी बुक्स हैं जिनके द्वारा आप एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। तो उस कंटेक्स्ट में भी हमारी जो स्पेक्ट्रम है वो उतनी खरी नहीं उतरती, लेकिन अगर आपने 3-4 बार अच्छे से स्पेक्ट्रम पढ़ के रखी हुई है तो आप एक ओवरव्यू तरीके से, मतलब अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन अच्छे मार्क्स अगर आपने फैच करने हैं मेंस के अंदर भी तो भी वो बुक सफिशिएंट नहीं होती। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम के अंदर और 3 से 4 क्वेश्चन हमारे मेंस के अंदर अपीयर होते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो अब देखते हैं हम सोर्सेज कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो सोर्सेज हमारे बेसिकली एनसीईआरटी होगा, ठीक है, एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ एनालिटिकल चीज़ें हमें मिल जाती हैं। बेसिकली अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक को रेफ़र करते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए तो मोस्टली वहाँ से कवर हो जाता है प्रीलिम के लिए, लेकिन लास्ट के 2 ईयर के अंदर थोड़ा क्वेश्चन की टफनेस ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर आपको थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम, और फिर आती है हमारे पास बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर काफ़ी एनालिटिकल तौर के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन उतना एडवांस तौर के ऊपर कुछ कंसेप्ट को इसके अंदर छोड़ दिया गया है, और आपको 1857 से पीछे वाला इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रम के अंदर भी मोस्टली चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उनको अच्छे से अरेंज करके बनाया गया है। लेकिन इनके अलावा भी एक बुक हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं प्लासी टू पार्टीशन। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसको मोस्टली एनालिटिकल तौर के ऊपर ही लिखा गया है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं। जैसे बिपिन चंद्रा है उसके अंदर काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को बताया हुआ है, तो अगर बिपिन चंद्रा को फर्स्ट टाइम को पढ़ता है बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए, तो बिपिन चंद्रा को समझना और उससे कॉम्प्रीहेंड करना कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा बिपिन चंद्रा से, वो काफ़ी टिपिकल होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप मेंस के क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी एनालिटिकल तौर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको समझने के लिए कुछ जो वैक्यूम हमारा बुक्स के अंदर रह जाता है स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा के लिए, उसको फिल करने के लिए हम प्लासी टू पार्टीशन से एनालिटिकल पोर्शन जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब उठा के इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इनके अलावा भी हमारे पास जो पर्सनैलिटी बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, अम्बेडकर एंड सुभाष चंद्र बोस, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर स्पेशली, उन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको बियॉन्ड बुक्स भी कुछ समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उनकी आइडियोलॉजी को समझ के डिफरेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल कर सकते हो। तो उसके लिए हम रैंडम आर्टिकल्स जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में सर्च करेंगे, और हमारा नेक्स्ट होगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम के और मेंस के, उन सबको इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है जिसके अंदर हम प्रीलिम प्लस मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझना चाहते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रॉड व्यू में अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कवर हो जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2-3 फेजेस। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, एक हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं हम, मतलब इंडिया के अंदर जो मॉडर्निज्म, मॉडर्न जो आइडिया है डेमोक्रेसी वगैरह, वो किस तरीके से आए इंडिया, मेडिवल से राजा महाराजाओं से ट्रांसफ़र होके किस तरीके से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं पनपी, वो सब चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है कि जो यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया के अंदर कैसे आई, इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आती हैं इंडिया के कोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि वो इंडिया के अंदर कैसे आए, बाद में वो ट्रेडर से कन्वर्ट होके इंट्रूडर बन जाते हैं, यहाँ पे कन्क्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और हमारे आसपास के जो इलाके हैं जैसे हमारा यहाँ पे बंगाल आ गया, नीचे हमारा मैसूर आ गया, यहाँ पे मराठा आ जाते हैं, फिर ऊपर हमारे सिख आ जाते हैं, मुगल वंश, तो वो सब पूरे इंडिया को किस तरीके से कैप्चर करते हैं वो चीज़ फर्स्ट फेज़ के अंदर आप समझ सकते हो। सेकेंड फेज़ क्या आएगा, सेकेंड फेज़ आएगा उन्होंने क्या क्या पॉलिसियाँ अपनाई इंडिया के अंदर।
एक तो इंडिया को कैप्चर करने के लिए कौन सी पॉलिसीज उन्होंने अप्लाई की, दूसरा जब उन्होंने इंडिया के अंदर राज किया इतना टाइम तो उन्होंने किस तरीके से उनकी इकोनॉमी की पॉलिसी थी, किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर को रखा, इंडियन सिटीजन को किस तरीके से ट्रीट किया, रिलीजन की उनकी पॉलिसी क्या थी, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सेकेंड फेज़ के अंदर। एंड थर्ड फेज़ के अंदर आता है इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था, तो इंडिया के रिस्पॉन्स के अंदर आएगा हमारा फ्रीडम मोमेंट, इंडिया ने किस तरीके से रजिस्ट किया इंट्रूडर्स को और किस तरीके से हमने अपने संविधान की डिमांड की और 1947 के अंदर इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री तीन पार्ट हैं, एक तो बाहर से यूरोपियन पावर्स आएंगे इंडिया के अंदर, फिर वो एस्टेब्लिश कर लेंगी इंडिया के अंदर, मेनली ब्रिटिश, फिर हमारी उन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रहती है इंडिया के तौर के ऊपर, वो सेकंड फेज, थर्ड फेज़ के ऊपर इंडिया का रिस्पॉन्स, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है जो हमारे महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो तीन फेज़ के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फेज़, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मेनली ब्रिटिश, ये किस तरीके से आते हैं हमारे जो, क्योंकि यहाँ पे जब इंडिया के अंदर एंटर होते हैं तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे बैरन लैंड थी, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, यहाँ पे पहले से ही पर्सन लीव करते थे, अपना लीवलीहुड चलाते थे, यहाँ पे राजा रजवाड़ा थे जिन्होंने टेरिटरी को डिवाइड करके हुए रखा था अपने में, ठीक है, तो वो पहले से थे। तो यूरोपियन किस तरीके से आते हैं, क्या बोल के आते हैं, बाद में किस तरीके से वो जो राजा होते हैं उनको अपने अंडर ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो चीज़ें देखना हमारे लिए फर्स्ट फेज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। तो तीन फेजेस के अंदर हमने देखा, फर्स्ट एडवेंट आएंगे, ब्रिटिशर्स कैसे आएंगे, फिर ब्रिटिश रूल कैसा होगा और फिर इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा होगा, इस तरीके से तीन फेजेस के अंदर हम इनको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड का मैप देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो ब्रिटेन यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये हमारा यूरोप का मैप है, ये हमारा एशिया आ जाता है पूरा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये अलग अलग कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट आ गया, साउथ अमेरिका और हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कंटिनेंट आ जाते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया की हिस्ट्री की बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, तो यहाँ यूरोप से इंट्रूडर आएंगे, मतलब पहले तो ट्रेड करने के लिए आएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर ट्रेड करने आएंगे समुद्र के रास्ते से, बाद में इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि वो ट्रेड करने इंडिया के साथ आते हैं, तो क्या ऐसा था कि जब वो इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया? जैसे अगर बात करेंगे आप 1498 के अंदर पुर्तगीज़ इंडिया के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तो इसके बोलने का क्या मतलब कि उससे पहले इंडिया और यूरोप का कोई कांटेक्ट नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, इंडिया और यूरोपियन के साथ में हिस्टोरिक कांटेक्ट हैं, हम यहां से ट्रेड करते थे, यहां से ट्रेड रूट थे, सेंट्रल एशिया से ट्रेड रूट थे, यूरोप के साथ में कांटेक्ट रखते थे, वैसा ट्रेड रूट, इंडिया की स्पाइसेस वगैरह काफ़ी पॉपुलर होती थी। लेकिन हमारे जैसे यहाँ पे यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी का रूल था और यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे इस्लाम का ओरिजन होता है, इस्लाम यहाँ पे काफ़ी फैल जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से दो जो हमारी सिविलाइजेशन है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो मेनली जो हमारे ट्रेड रूट थे इंडिया से यूरोपियन के, उनको ब्लॉक कर लिया जाता है, तो जो भी हमारा सामान था वो जो मुस्लिम रूलर थे अरेबियन पेनिनसुला वहाँ से होके जाता था और वो थोड़ा यूरोपियंस को महंगा बेचते थे वो वाला सामान, ठीक है। और यूरोपियन के अंदर, यूरोप के अंदर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो यूरोप के अंदर एक मिडल एजेस आती है जिसको डार्क फेज बोलते हैं, ठीक है, तो मेनली आप उसको 5 AD से लेके नेक्स्ट आपका 1416 तक उसको मान सकते हो, AD तक मान सकते हो। तो उसके अंदर वो जो हमारी एज होती है उसके अंदर चर्च सुप्रीम होता है और चर्च की पावर सुप्रीम होती है और जो किंग होता है वो भी उसके इन्फीरियर होता है, चर्च की पावर के नीचे होता है किंग भी, और फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी होती है यहाँ पे मेनली। फ्यूडलिज्म का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हो कि उसके अंदर जो प्रोड्यूस था, जो इकोनॉमी का सिस्टम था फ्यूडलिज्म के अंदर, वो इतना था कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो सिर्फ अपने लायक प्रोड्यूस करेंगे, जो उनके ऊपर होंगे फ्यूडल लॉर्ड्स उनको खिलाने के लिए प्रोड्यूस करेंगे, कोई सरप्लस उसमें प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब वेल्थ को सिन की तरह समझा जाता था। लेकिन बाद में यूरोप के अंदर रिनेसेंस आता है, उसके अंदर यूरोपियन को जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, रीबर्थ कहा जाता है यूरोप का, तो यूरोप की जो एंशिएंट वैल्यू थी रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन, उनकी वैल्यूज़ को फिर से जागृत किया जाता है, यूरोप में साइंटिफिक कल्चर डेवलप होता है। अब साइंटिफिक कल्चर डेवलप होगा तो यूरोप के जो किंग्स होते हैं उनकी पावर, वो भी अपनी पावर रिक्लेम करना शुरू कर देते हैं, चर्च की पावर कम हो जाती है, तो अब उनके अंदर ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है क्यूरियोसिटी, हमने क्यूरियस होके नई नई लैंड्स की खोज करनी है ताकि हम ट्रेड कर पाएँ, तो एक तो उनका ट्रेड रूट ब्लॉक हुआ था एशिया के साथ में लैंड से, अब वो सोच रहे थे कि हमें सी से इंडिया को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उस चीज़ की खोज करनी है और नई नई लैंड हमने खोज करनी है। यूरोप में मिडिल एजेस के टाइम माना जाता था
क्योंकि उस टाइम चर्च का रूल था, चर्च जो बताती थी उसी को मानना पड़ता था, ठीक है। तो वो उस टाइम मानते थे सिर्फ तीन ही कंटिनेंट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, वो नहीं मानते थे कि तीन ही कंटिनेंट है। लेकिन जब रिनेसेंस आता है यूरोप के अंदर, तो वो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी का कल्चर, साइंटिफिक कल्चर, लिटरेचर, ट्रेड को फ्लोरिश करता है। अब ट्रेड फ्लोरिश होता है तो डिफरेंट जो हमारे सेक्ट होते हैं यहाँ पे यूरोप में, जो डिफरेंट कंट्री होती हैं, उनके बीच भी कन्फ्लिक्ट होता है। अब सब कंट्रीज़ प्रॉस्पर होना चाहती हैं, सब कंट्रीज़ नई नई चीज़ें खोजना चाहती हैं, इन्वेंशन करना चाहती हैं, साइंटिफिक फील्ड में एडवांसमेंट करना चाहती हैं। तो वो अब देखती हैं डिफरेंट जो किंग्स होते हैं वो अपने वॉयेजर भेजते हैं, वो अपने यात्री उनको भेजते हैं कि आप नई नई लैंड को खोजो ताकि उनके साथ हम ट्रेड कर पाएँ। इसी के तहत वो आते हैं कैरेबियन के अंदर, और इसी के तहत वास्को डी गामा 1498 ईस्वी के अंदर आता है इस रूट से इंडिया के अंदर, क्योंकि लैंड वाला रूट तो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका था उनका, ठीक है। रेड सी के यहाँ पे भी मुस्लिम रूलर रूल कर रहे थे, तो अब वो इंडिया के अंदर आते हैं, पुर्तगीज़ मेनली इंडिया के अंदर आते हैं और वो यहाँ पे व्यापार शुरू करते हैं। डिटेल के अंदर बाद में देखेंगे पुर्तगीज़ कैसे आते हैं, स्पेनिश पीपल कैसे आते हैं। उसी तरीके से 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश भी इंडिया के अंदर आते हैं ट्रेड करने के लिए। तो इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये अपनी कॉलोनी बनाने वाले हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे, प्रॉस्पर करना चाहते थे। लेकिन लेटर ऑन हम जो लेक्चर देखेंगे उनके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन इंडिया के अंदर चेंज हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इंडिया को कॉलोनी बनाना हमारे फ़ायदे के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको जो उनको बेनिफिट पहले मिलते थे उनके अंदर उनको काफ़ी प्रोहिबिशन मिली, अड़चने महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा कि अब डायरेक्ट कंट्रोल किया जाए, जो राजा रजवाड़ा है उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया जाए। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली हमने अभी समझा कि यूरोपियन और एशिया के बीच में लैंड रूट और सी रूट जो हमारा रेड सी से होके जाता था उसमें प्रोहिबिशन की वजह से न्यू जो न्यू ट्रेड रूट खोजने के लिए यूरोपियन से वोएजिस समुद्र के अंदर इंडिया के लिए रास्ता ढूंढने लगे, ठीक है। और उसी के टाइम उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की खोज की और उसके बाद इनको कॉलोनी भी बनाया अपना। तो उसी तरीके से इंडिया के अंदर आए थे, उनका मेनली मकसद था ट्रेड करना इंडिया के साथ में। अब आते हैं यूरोपियन इंडिया के अंदर आएंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि यूरोपियन को इंडिया के अंदर क्यों आना था, ट्रेड करना था इनको, ठीक है। इनको महंगी मिल रही थी चीज़ें, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो इनको महंगी लगा रही थी और वो एक तरीके से इनके कंपिटिटर थे। तो अब इनको आना था इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर आते हैं यूरोपियन पावर। तो अब हमें देखने की बात ये है कि इंडिया के अंदर जब ये आते हैं तो इंडिया के अंदर किस तरीके की कंडीशन थी, कौन इंडिया के अंदर उस टाइम रूल कर रहा था, इंडिया की सोसाइटी उस टाइम कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया कितना प्रॉस्परस था, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि जब भी अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखना है तो हमें पता होना चाहिए इस टाइम जब यूरोप के जो पीपल हैं वो यहाँ पे आएंगे ट्रेड करने के लिए तो इंडिया की क्या कंडीशन थी। और जब तक जैसे इन्होंने ट्रेड किया 100 से 150 साल, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने चेंज की अपनी पॉलिसी और उसके बाद उन्होंने कंक्वेस्ट करना शुरू की, अनेक्स करना शुरू किया एशिया को, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी इंडिया के अंदर उस टाइम क्या सिचुएशन थी जब ये आए, उस टाइम धीरे धीरे कैसे सिचुएशन बदली और लास्ट में उसने रूप ले लिया इंडिया में कन्क्वेस्ट करने के लिए, इंडिया किस तरीके से वीक हुआ और उसकी सोसाइटी कैसी थी। तो वो चीज़ें हमें देखना जरूरी है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन के अंदर हम देखेंगे कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर एंट्री। कंडीशन कौन सी, पॉलिटिकल, इंडिया के अंदर कौन राज कर रहा था, या इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी या राजा रूल कर रहे थे, वो चीज़। दूसरा सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म था, उसके अंदर रिलीजियस सोसाइटी थी, वो क्या कन्फ्लिक्ट करते थे आपस में, या कुछ भी जो चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो सब देखेंगे। सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी देखेंगे इंडिया की, कि जो यूरोपियन आते हैं उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही थी, बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर फॉरनर्स आएंगे हमारे इंडिया के अंदर एंटर होंगे, और फिर क्या क्या कंडीशन थी जिन्होंने लेड किया उनकी इंटरनल राइवलरी को, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, पुर्तगीज़ भी थे, डेनिश भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे। तो अलग अलग पीपल ट्रेड करने के लिए आए थे यूरोपियन पावर्स, लेकिन क्या कंडीशन बनी कि वो आपस में ही झगड़ने लग गए, और आपस में झगड़े तो ब्रिटिशर्स जीत गए और बाकी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो किस तरीके से बाहर निकाला वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ओवर इंडियन स्टेट। अब जब उन्होंने अपने कंपिटिटर को बाहर निकाल दिया तो अब उनको जो उनको हिंड्रेंस दिखी अपने ट्रेड के अंदर, अपनी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के अंदर, वो थे हमारे इंडिया के जो इंडिजिनस रूलर थे, जो ट्रेडिशनल रूलर थे। अब उनको लगा कि उनको भी हमें सबऑर्डिनेट कर देना चाहिए, उनको भी दबा देना चाहिए ताकि हम अच्छे से इंडिया के अंदर राज कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर एंट्री की बात करेंगे यूरोपियंस की, तो मेनली आप बात करोगे तो ब्रिटिशर्स आते हैं सूरत के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पुर्तगीज़ हैं, ये 1498 के अंदर आते हैं कलिकट के अंदर, ठीक है।
डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पुर्तगीज कब आए, कैसे आए, इन्होंने कहाँ पे फैक्ट्री लगाई, क्योंकि जिसके ऊपर प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर ट्रेंक्वा बार के अंदर डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी के अंदर, डच आते हैं 1602 के अंदर पुलिकट के अंदर, फ्रेंच आते हैं 1664 के अंदर पौंडीचेरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी पावर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर आती हैं। फिर जैसे मैंने बताया, इनके अंदर इंटरनल राइवलरी होती है, अपने आप में ही झगड़ते हैं, क्योंकि अब आपके पास में ट्रेड के जो रिसोर्सेज हैं वो तो कोस्ट लाइन आपके पास में लिमिटेड होती है, आपको ट्रेड भी करना है, तो इनके बीच में भी काफ़ी जलन थी। पहले इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए अरेबियन, जो हमारा पेनिनसुला मैंने बताया आपको, अरेबियन हमारे साथ काफ़ी ट्रेड करते थे, पुर्तगीज़ आते हैं, फिर पुर्तगीज़ का अरेबियन के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जो अरेबियन पेनिनसुला के पर्सन होते हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता है, फिर पुर्तगीज़ कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, फिर जो हमारी अदर पावर आती हैं पुर्तगीज़ का इनके साथ में भी, पुर्तगीज़ तो सबसे पहले आए थे तो इनका कन्फ्लिक्ट होता है, और जो पावर्स आती हैं जैसे ब्रिटिशर्स आएंगे इनके साथ कन्फ्लिक्ट होगा, फ्रेंच के साथ में, डच के साथ में, डेनिश के साथ में, तो इन सब में जीतेगा ब्रिटिश, ठीक है। और फिर ब्रिटिश हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। तो अगर आप यूरोपियन सेटलमेंट की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर पूरी कोस्ट लाइन आप देख सकते हो, पूरी कोस्ट लाइन के अंदर कोई ना कोई हमारी यूरोपियन सेटलमेंट यहाँ पे बनी थी। ये यहाँ पे आते थे, ट्रेडिंग पोस्ट बनाते थे, फिर एक दूसरे से झगड़े के नाम के ऊपर उसको फोर्टिफाई कर देते थे, उसके ऊपर वॉलिंग करते थे, फिर लड़ते थे आपस में, और जो हमारे किंग क्वीन थे उनको भी लड़ाई के अंदर, उनको भी मतलब लड़ाई के अंदर हरा देते थे साइड के अंदर, ठीक है। उनके अंदर भी बाद में ब्रिटिशर्स इंट्रूड करना, जो उनके इंटरनल अफेयर होते हैं उनके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, और लेटर ऑन एनेक्स करना शुरू करते हैं जब इंडिया के जो रूलर थे वो वीक हो जाते हैं काफ़ी, कभी एक मतलब एक बड़ा सा एम्पायर इंडिया के अंदर नहीं बचता, फिर उसके बाद वो एनेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो बात करेंगे हम कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर एंट्री। तो जब ये एंटर होते हैं सभी, तो इंडिया की क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकल क्या कंडीशन थी, इकोनॉमी क्या थी, और सोशल क्या कंडीशन थी। तो अभी हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल क्या सिचुएशन थी, मतलब कौन राज कर रहा था, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो हमारे पास 2017 में मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। तो ये बोल रहा है हमें कि मिड 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से लेके 1800 तक, ठीक है, ये पीछे चलती है, 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से 1900, तो मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब 1750 तक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर 57 के अंदर तो आपका प्लासी का युद्ध हो जाता है, तो उससे पहले ये बोल रहे हैं कि क्लैरिफाई करो किस तरीके से इंडिया की जो सोसाइटी थी वो फ्रेगमेंटेड थी। तो आपको बताना कि पॉलिटी क्या फ्रेगमेंटेड थी उस टाइम, अलग अलग जो राजा थे वो राज कर रहे थे, दूसरा आपने बताना किस तरीके से थी, थोड़े से उसके कॉज बताने और आपका क्वेश्चन काम बन जाएगा। तो अब आप पॉलिटी के बारे में देखेंगे कि इंडिया पे कौन रूल कर रहा था एक्चुअल के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली चलते हैं मुगल एम्पायर से, 1526 से बाबर की एंट्री होती है, पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद हुमायूं का रूल, अकबर का, जहांगीर का, ये मेडिवल इंडिया के अंदर पढ़ेंगे अगर हमने कभी सीरीज स्टार्ट की तो। जहांगीर, शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है, औरंगजेब लास्ट रूलर था जो कि काफ़ी पावरफुल था, उसके बाद जो इसके सक्सेसर आते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, उसकी वजह से औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद उसके सक्सेसर में आता है बहादुर शाह, जहंदर शाह, फारूक शियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम, अकबर टू, और फिर लास्ट रूलर जो इनका आता है वो होता है बहादुर शाह टू, ठीक है, बहादुर शाह टू, जिसको कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम देश का राजा डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये हमारे मेनली मुगल रूलर हैं जो कि पॉलिटिकल कंडीशन आपको बताएंगे, पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया के अंदर क्या थी जब यूरोपियन इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। तो मैपिंग के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर किस किस तरीके से राज किया जा रहा था। तो जो मैपिंग हिस्ट्री के जो मैप होते हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे एक्यूरेट नहीं मान सकते आप उनकी बाउंड्रीज वगैरह जो भी होती हैं, मतलब अलग अलग तरीके से होती हैं, कोई ऑथेंटिक मैप ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए रखना है, हमें उसके अंदर डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें जो चीज़ें उसके लिए चाहिए वो हमारे काम की चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। तो अब बात करेंगे अगर एंट्री होती है पुर्तगीज़ की, ठीक है, पुर्तगीज़ हमारे एंटर करते हैं कलिकत के अंदर, तो उस टाइम अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के अंदर किस टाइप की पॉलिटी की सिचुएशन थी 1498 के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत का उस टाइम रूल था, और भी हमारी छोटी छोटी सल्तनत थी। आपको मैप की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली जनरल सा आइडिया लो, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको आगे कंटेक्स्ट डेवलप करने में। तो दिल्ली सल्तनत वहाँ पे थी, और भी हमारी छोटी छोटी पार्ट्स के अंदर इंडिया डिवाइडेड था जब पुर्तगीज़ इंडिया के अंदर एंटर होते हैं।
अब बात करेंगे 1526 की, तो अब आता है बाबर, स्टार्टिंग ऑफ मुगल रूल इन नॉर्थ इंडिया। तो बाबर की एंट्री होती है, मुगल रूल जो हमारा छोटा सा है ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा, मतलब इंडिया को यूनिफाई करना शुरू करेगा ये थोड़े टाइम के अंदर। अभी तो इंडिया की पॉलिटी फ्रेगमेंटेड है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा है 1750 के अंदर किस तरीके से इंडिया की पॉलिटी फ्रेगमेंटेड थी, मतलब कौन कौन राज कर रहा था, अलग अलग राजे राज कर रहे थे अलग अलग प्लेसेस के ऊपर। तो जिस तरीके से फ्रेगमेंटेड अभी है, उस टाइम क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो 1526 के अंदर बाबर, स्टार्टिंग ऑफ मुगल रूल, तो मुगल रूल हमारा आ जाता है नॉर्थ के अंदर। फिर मुगल रूल हमारा बढ़ने लगता है, 1600 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो मुगल रूल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और 1600 की अगर आप देखोगे तो उस टाइम ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है सूरत के अंदर, तो ब्रिटिशर्स एंटर होते हैं हमारे यहाँ पे। तो उस टाइम मुगल रूल कर रहे थे और काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने अपने अंदर कैप्चर करके रखा हुआ था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 1602 के अंदर डच हमारे एंटर होते हैं। अब इनकी एंट्री के टाइम में भी मुगल एम्पायर एक्सपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये हमने पहले देखा कि बाबर के टाइम से स्टार्ट होता है, औरंगजेब के टाइम में 1707 तक ये काफ़ी मजबूत रहता है मुगल एम्पायर, उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है मुगल एम्पायर फिर से एक्सपेंड कर रहा है, 1664 ईस्वी फ्रेंच की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। अब मुगल एम्पायर और ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। साउथ के अंदर तो ये कभी उतना कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन मुगल एम्पायर नॉर्थ के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव था, और साउथ के अंदर भी इनडायरेक्ट आप इसमें असर मान सकते हो। फिर आता है 1707, अब फॉल स्टार्ट हो जाएगा मुगल एम्पायर का। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है मिड 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पहुंच चुके हैं अब मैप के अंदर 1707 के अंदर। तो अब मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा हो चुका है, अब वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के साथ में ही मुगल एम्पायर श्रिंक करना शुरू कर देगा। तो अब हम बात करेंगे 1723 की, तो अब मुगल एम्पायर फ्रेगमेंट होना शुरू हो गया है। अब मुगल एम्पायर की जो उन्होंने अपने नवाब भेजे थे, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर रूल करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल हैं, फिर यहाँ पे हमारे नीचे हैदराबाद के नवाब आएंगे, यहाँ पे अवध आएगा। तो इन्होंने ही मुगल एम्पायर जब वीक हो जाता है, उनके पास में जो राजा है उसकी शक्तियाँ वीक हो जाती हैं, तो जो पर्सन उन्होंने ही भेजे होते थे अपने जो अंडर रूल करने के लिए किसी प्लेस को, वो पर्सन अपनी इंडिपेंडेंस शो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं था डायरेक्टली इन्होंने चैलेंज कर दिया किंग को, बट इनडायरेक्ट रूप से अब सबको पता चल गया था कि ये जो हैं आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। और उसी टाइम औरंगजेब के सिखों के साथ काफ़ी बुरे रिलेशन थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जो 9th हमारे गुरु थे सिखों के, उनको एग्जीक्यूट किया था, उसकी वजह से फिर हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों को मिलिटेंट ग्रुप के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बंदा बहादुर वगैरह, मतलब एक तरीके से सिखों की भी मुगलों के साथ काफ़ी दुश्मनी हो जाती है औरंगजेब की वजह से, और औरंगजेब मराठा के भी विरुद्ध था। अब मराठा जो फोर्सेज हैं, जब जो मुगल एम्पायर है वो वीक होने लगेगा, तो मराठा भी हमारे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और ये अदर एरिया कैप्चर करने लगेंगे। मैसूर जो किंगडम है साउथ के अंदर, ये भी एक्सपेंड करने लगेगा। त्रावणकोर हमारे पास इंडिपेंडेंट यहाँ पे किंगडम होता है। फिर हमारे छोटे छोटे जो राजे रजवाड़ा थे यहाँ पे, जैसे राजपूत होते हैं, ठीक है, हमारे पास रोहिल खंड होता है, यहाँ पे जाट वगैरह होते हैं इन एरिया के अंदर फ्रेगमेंटेड, जिनके मुगलों के साथ, अर्ली मुगलों के साथ, जो हमारे औरंगजेब हैं उनके पहले छोड़ के, उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो वो जो मुगल थे उनके साथ में कॉपरेट करते थे, ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब थे वो उनसे काफ़ी चिढ़ता था, तो उन्होंने जो राजपूत वगैरह थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसकी वजह से रिबेल ग्रुप तैयार हो गए। जैसे सिखों को ट्रीट नहीं किया तो सिखिज़म ऊपर बढ़ गया, यहाँ पे राजपूत, हमारे जाट, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। कुछ जो हैं मुगल एम्पायर के हिस्सा थे, जो कि मुगल वीक होने की वजह से इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं, और कुछ हमारे रिबेल होते हैं जो कि मुगल एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1723 का हमारा बात है। अब आते हैं 1733 में, तो और ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन आ चुकी है जो हमारा मुगल एम्पायर है उसके अंदर। और 1742 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मुगल एम्पायर थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, मुगल एम्पायर थोड़ा सा बचा हुआ है। मैप जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब इनके अंदर पूरा ट्रुथ नहीं होता, बट हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। तो मुगल एम्पायर देखोगे, सिख एम्पायर यहाँ पे बढ़ गया है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नवाब ऑफ बंगाल अवध आ चुका है, यहाँ पे हैदराबाद आ चुका है, मैसूर बढ़ रहा है, ठीक है, नवाब ऑफ सिंध, यहाँ पे राजपूत, जाट और रोहिलखंड, वो भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बात क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी, क्लैरिफाई करना है आपने किस तरीके से पॉलिटी फ्रेगमेंटेड थी मिड 18th सेंचुरी के अंदर। तो पॉलिटी फ्रेगमेंटेड होने का मतलब है कि जो यूनिफाई इंडिया को पहले किया हुआ था मुगल एम्पायर ने, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो ये पूछ रहे कि किस तरीके से पॉलिटी फ्रेगमेंटेड थी इंडिया की। तो पॉलिटी फ्रेगमेंटेड, पहले मुगल एम्पायर काफ़ी बड़ा होता था,
धीरे धीरे औरंगजेब के बाद ये कमज़ोर होना शुरू हो गया। सिखों के साथ औरंगजेब ने खुद ही इशू क्रिएट किए तो वो रिबेल उनके खिलाफ तैयार हो गए, मराठा रिबेल तैयार हो गए और हमारे पास राजपूत जाट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब फ्रेगमेंट हो जाती है पॉलिटी, अलग अलग स्पेयर के ऊपर अलग अलग पर्सन राज करना शुरू कर देते हैं। और मुगल एम्पायर वीक होने की वजह से जो उन्होंने नवाब भेजे होते थे रूल करने के लिए अपने बिहाफ पे, जैसे नवाब ऑफ अवध थे, हमारे बंगाल के नवाब थे, हमारे हैदराबाद के नवाब थे, इन्होंने एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई है। बात मानते थे इनकी, एक्सेप्ट करते थे कि मुगल एम्पायर का हिस्सा हैं, लेकिन एक तरीके से सबको पता था ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों इंडिपेंडेंट मुगल का हिस्सा हो जाते हैं। कुछ ग्रुप जो मुगल एम्पायर था उन्हीं की वजह से, उन्हीं की पॉलिसी की वजह से, जो औरंगजेब था उसकी पॉलिसीज की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं। सिख आते हैं, जाट आते हैं उसमें, ठीक है, और हमारे मराठाज आते हैं। मैसूर डेवलप होना शुरू हो जाता है जैसे ही हमारा मुगल वीक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे त्रावणकोर किंगडम आता था और रोहिलखंड और फारुखाबाद, यहाँ पे हमारा नॉर्थ यूपी के अंदर किंगडम डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटी हमारी फ्रेगमेंटेड थी उस एरिया के अंदर। तो उसके अंदर आपको बताना था कि पॉलिटी किस तरीके से फ्रेगमेंटेड थी। तो बाय 1761 मुगल एम्पायर वाज ओनली इन द नेम, न्यू स्टेट डिड नॉट चैलेंज्ड। तो न्यू स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया जो न्यू स्टेट बन रही थी, जैसे अवध की बन गई, हैदराबाद की बन गई, हमारी बंगाल की बनी, उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया एम्पायर की अथॉरिटी को, बट एक तरीके से मतलब उनकी जो सेंक्शन थे, अथॉरिटी थी, उनको बोला कि हम मुगल के अंडर ही हैं, लेकिन सबको पता था कि वो आज़ाद हो चुके हैं। तो जो थ्री सक्सेसर हमारे आते हैं मुगल एम्पायर के, वो आते हैं बंगाल, हैदराबाद, अवध। ठीक है, ये थ्री सक्सेसर जो मुगल एम्पायर से ही ब्रोक हुए थे। नेक्स्ट अटैक अफगान किंगडम, फारुखाबाद और रोहिलखंड, ये अफगानी ट्राइब थी जो कि हमारे नॉर्दर्न यूपी के अंदर, नॉर्दर्न यूपी और यूके का एरिया है वहाँ पे, ये भी अपनी एक तरीके से, ये पहले मुगलों के अंडर आते थे, उन्होंने इनको भेजा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुगल एम्पायर वीक होता है ये भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया के अंदर बनाना शुरू कर देते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे, सबसे पहले तो बंगाल, हैदराबाद और अवध, बंगाल, हैदराबाद, अवध मुगल से ही टूट के इंडिपेंडेंट घोषित हो चुके थे। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे थी पॉलिटी की मिड 18th सेंचुरी के अंदर, तीन हमारे यहाँ पे स्टेट्स आ जाती हैं, बंगाल, हैदराबाद, अवध, फिर हमारे पास आते हैं फारुखाबाद, रोहिलखंड किंगडम नॉर्थ यूपी के अंदर, और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थी जो कि मुगल एम्पायर वीक हो रहा था तो उसकी वजह से और ग्रो कर गई, जैसे मैसूर था, हमारे पास केरला के अंदर त्रावणकोर का किंगडम था और राजपूत स्टेट। ठीक है, राजपूतों के औरंगजेब के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे। और नेक्स्ट आता है रिबेल ग्रुप, कुछ जो थे वो जो मुगल थे हमारे उनकी पॉलिसीज की वजह से नाराज थे, तो इनके अंदर आते हैं मराठाज, सिख और जाट। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन वो आता तो उसके अंदर आपको पहले बताना था पॉलिटी कैसे फ्रेगमेंटेड है। तो आपको अगर आप मैप बना सकते तो आपको मैप बना के दिखाना था कि पॉलिटी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग किंगडम रूल कर रहे थे, फिर आपको बताना था उनके बारे में, बंगाल, बिहार, अवध कहाँ से आए हुए हैं, सक्सेसर थे मुगल के ही, अफगान किंगडम, फारुखाबाद एंड रोहिलखंड वो हमारे पास थे जो पहले मुगल के अंदर ही आते थे, उन्होंने ही इनको भेजा हुआ था रूल करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बट बाद में वो अपनी इंडिपेंडेंस शो करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम थे पहले से ही जो कि जब वीक होने लगता है मुगल एम्पायर तो वो अपनी इंडिपेंडेंस और शो करना शुरू कर देते हैं। और कुछ हमारे रिबल ग्रुप थे जो कि परेशान थे मुगल्स की पॉलिसी से, उसकी वजह से मराठा, सिख और जाट ये अगेंस्ट होते हैं उनके पहले से ही। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे। तो राजपूत आते हैं नॉर्दर्न दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ये छोटी छोटी बेल्ट्स के अंदर आप मान सकते हैं उनके छोटे छोटे रीजनल हब राजपूतों के। ठीक है, तो ये पहले औरंगजेब से पहले उनके साथ में काम करते थे, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन बाद में औरंगजेब उसकी पॉलिसी काफ़ी इंटॉलरेंट थी, हम रीज़न देखेंगे किस तरीके से फॉल होता है मुगलों की, मुगल डायनेस्टी का, तो वो सब चीज़ें जब देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो ये हमारे राजपूत आते हैं, जाट भी अराउंड दिल्ली, मथुरा, आगरा की तरफ फैले हुए थे। सिख अगर बात करेंगे सिखों की, तो गुरु नानक देव ने सिख पंथ की नींव रखी, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया गुरु तेग बहादुर को जो कि 9th गुरु थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने ट्रांसफॉर्म किया सिख को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद फिर इनको बंदा बहादुर के द्वारा लेके गए, बंदा बहादुर की एग्जीक्यूशन हो जाती है फारूक सियार के द्वारा लेटर ऑन, और बाद में फिर रंजीत सिंह जो इनके छोटे छोटे मिसल्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग सिख एम्पायर बनाते हैं। तो मुगल स्टेट वीक कैसे होती है वो सब चीज़ें हम लेटर ऑन अपने चैप्टर्स के अंदर देखेंगे, लेकिन अब हम जो हमने पहला क्वेश्चन देखा उसके अंदर हमने थोड़ा सा जो बेस देखा कि फ्रेगमेंटेड किस तरीके से थी पॉलिटी, जब हमारे पास में फॉरेनर पावर आती है तो इंडिया की क्या कंडीशन थी, तो इंडिया की इस तरीके की कंडीशन हो चुकी थी 1742 तक। ठीक है, इससे पहले
हमारे जो मैक्सिमम हमारे यूरोपियन थे वो एंटर हो चुके थे, अब वो आपस में झगड़ना शुरू करते हैं। आपस में झगड़ेंगे, फिर 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है नवाब के अंदर, बंगाल के अंदर, फिर बंगाल को वो कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर अवध का एरिया भी वो कैप्चर कर लेंगे। फिर वो आएंगे नीचे मैसूर के अंदर ब्रिटिशर्स, फिर वो कैप्चर करेंगे मराठास को, उसके बाद जाएंगे सिखों को कैप्चर करने, और फिर ऑल ओवर द इंडिया के ऊपर वो अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश कर देंगे। तो वो सब चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कैन बी कंट्रीब्यूटेड लार्जली टू स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी विद इन द मुगल एम्पायर, एक्सटर्नल इन्वेजन जस्ट एक्टेड एज अ स्मॉल पुश टूवर्ड इट्स डिमाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फोकस इन द गवर्नेंस शुड बी मोर ऑन द क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क रेदर देन फोकसिंग ऑन सिंगल पर्सन विद डेस्पोटिक पावर, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल एम्पायर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वॉर स्टेट विद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच नीडिड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एग्जामाइन द कॉज ऑफ बिलीगरिंग रिसोर्सिस ऑफ मिलिट्री सस्टेनेंस। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो कि टैकल होंगे हमारे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने से, क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर मेंस के अंदर। तो अभी तक हमने जो देखा उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने बेसिकली देखा इंडिया के अंदर क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकल किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन थी इंडिया के अंदर जब हमारे ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिक्लाइन किस तरीके से होता है मुगल एम्पायर, या इसके अंदर भी हमारे पास जो कंडीशन है इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन, वो सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।